दोस्तों वेलकम है हमारे जीएस इंडिया चैनल्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष के लिए सांसद निधि को स्थगित कर दिया है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए कर दिया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन सी कौन सा देश? बेल्जियम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा के ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक बफर जोन घोषित किया है? अहमदाबाद ने। किसने? अहमदाबाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा देश एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए कौन? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? ऑप्शन बी रुड़की ने। किसने? रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस। चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया गया है? ऑप्शन ए 76 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामले को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय रेलवे ने किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? जीवन नाम से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चंस। किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए रवांडा। रवांडा की राजधानी दोस्तों किगाली है, ये साउथ अफ्रीकी कंट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड सपोर्ट।